अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू एंड रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा एस्प्रेसो कॉफ़ी केक, जो बहुत ही यम्मी बनेगा। तो चलते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 3 अंडे ले लें आप, 150 ग्राम मक्खन ले लें, कॉफ़ी आप 2 टेबलस्पून ले लें, मैदा 1.5 कप, चीनी आप लोग ले लें 3/4 कप, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, वनीला एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स। अब आप सबसे पहले आप मक्खन डाल दीजिए एक बाउल में, उसके अंदर आप फिर चीनी डाल दें और अब इसको आप बीट करें मीडियम स्पीड में, इतना कि इसका फ्लफी सा मिक्सचर बन जाए। ये देख लें, इसका मिक्सचर बन चुका है फ्लफी सा। अब इसके अंदर एक एक करके आप अंडे ऐड कर दीजिए और आप जब अंडे डालें तो इसकी स्पीड जो है थोड़ी लो रखिएगा, हाई स्पीड या मीडियम स्पीड मत रखिएगा। और एक अंडे के बाद आपने 15 से 20 सेकेंड का गैप देना है, उसके बाद आपको अगला अंडा डालना है। आप स्पैचुला से अपने बाउल को अच्छी तरह से क्लीन करें और इसको अगेन चला लें। अब आपने बेकिंग पाउडर और मैदे को एक साथ छानना है। मैं डायरेक्ट इसी बाउल में छान रही हूँ, आप पहले से भी छान के अलग रख सकते हैं और फिर आप थोड़ा थोड़ा ऐड करें और बीट करते रहें मीडियम स्पीड पर। आपने इसको कम से कम 2 से 3 मिनट या 4 मिनट आप इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे मीडियम स्पीड पे। इस तरह आप थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करते रहें और बीट करते रहें। अब जो है हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब आप कॉफ़ी जो हमने रखी थी उसके अंदर आप आधा कप गर्म पानी लेकर कॉफ़ी को अच्छी तरह से डाइल्यूट कर लें। अब इस केक के बैटर के अंदर आप थोड़ा थोड़ा करके कॉफ़ी ऐड करें और इस तरीके से कट एंड फोल्ड करें इस मिक्सचर को। इसमें आपको ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाने हैं, इसको आपको इसी तरह से कट एंड फोल्ड करना है मिक्सचर को। ये हमारा जो है बैटर जो है रेडी हो गया। अब आप ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लें और आप बटर पेपर लगा ब्रश कर दें बटर से या ऑयल से। अब आप इस केक के मिक्सचर को ट्रे में डाल दें और इसको स्पैचुला से सेट कर लीजिएगा या बेकिंग ट्रे को टैप टैप करके लेवल कर लीजिएगा। अब आपको इस केक के मिक्सचर को 20 मिनट के लिए रखना है, लेकिन सबके ओवन के टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं, तो आप लोग अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली रखिएगा। 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा केक रेडी है। इसको आप कूल डाउन कर लें। जब ये कूल डाउन हो जाए तो आप इस तरीके से इसका बटर पेपर उतारिए और इसको आप किसी भी सर्विंग प्लेट में रखें। ये देख लीजिए, मैं आपके सामने कट कर रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का ये केक बना है, स्पंजी बना है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।